हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट बबीता। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चेक लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आज मैंने सोचा कि आपके साथ जो है एक लॉन्ग वीडियो शेयर करती हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप किसी से चेक ले रहे हैं तो आपको क्या क्या देखना है, तो आपको सबसे पहले तो ये करना है कि किसी से ब्लैंक चेक नहीं लेना है। अब आप कहेंगे ब्लैंक चेक क्यों नहीं लेना है। ब्लैंक चेक में ये है कि उसमें जो हैंडराइटिंग हो जाती है, अगर आप जैसे उसे चेक बाउंस करवाओगे फिर आपको उसमें फिल करना है, तो वो आपकी हैंडराइटिंग होगी या किसी अदर पर्सन की होगी। तो अगर कोर्ट में मैटर जाता है चेक बाउंस का, फिर क्या होगा, एक्सपर्ट का की एडवाइस ली जाएगी, FSL करवाई जाएगी। तो जो इस पर्सन का वो चेक है वो जो है उसकी हैंडराइटिंग से मैच नहीं करेगा, तो ये इसमें क्या रहेगा, हमारा जो केस है थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब हमारा जो केस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो इसलिए सबसे पहली यही चीज़ है, हमें क्या सावधानियाँ बरतनी है। हमें सावधानी ये बरतनी है कि अगर हम किसी से चेक ले रहे हैं तो उसी की हैंडराइटिंग में होना चाहिए। मीन्स उसका नेम, डेट, सिग्नेचर, अमाउंट, अमाउंट जो वर्ड्स में हो या फिर नंबर में हो, दोनों ही जो है वो लेनी है, मतलब वो उसी के हैंडराइटिंग से होनी चाहिए। फर्स्ट तो ये हो गया, डेट का कुछ इशू नहीं है। अगर वो डेट जो है, कभी कभी क्या बात की डेट भी देते हैं, तो डेट अगर आप भी फिल करेंगे तो डजेंट मैटर, बट नेम, अमाउंट और सिग्नेचर जो है उसी के होने चाहिए। और आप ये भी ध्यान रखना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जिस पर्सन को पैसे देने होते हैं वो क्या करता है, किसी और का चेक लेके आपको दे देता है और आप ध्यान भी नहीं देते और सिर्फ अपने उसमें सिग्नेचर कर देता है। तो अपने सिग्नेचर या कोई अदर की सिग्नेचर कर देता है, तो आपको इस चीज़ पे पूरा ध्यान रखना है। ये रही तो ये बात रही इसकी। अब मैं बताती हूँ, जैसे कि अगर आपका चेक, मतलब आपको अमाउंट निकालनी है, अब मीन्स आपको चेक बैंक में जाके देना है, तो जब आप बैंक में देंगे तो किस बैंक में देना चाहिए। अगर आपको ये देना है तो आप जो है अपने नियर बाय बैंक में दीजिए, जो जहाँ का आपका रेजिडेंस है वहाँ के बैंक में दीजिए। बिकॉज इसका क्या रीज़न रहता है, इसका ये रीज़न रहता है कि जो आपका ज्यूरिडिक्शन है वो जो है आपका पास पड़ता है और आपको आने जाने में इजी रहता है। क्योंकि जो चेक होता है, चेक के जो ज्यूरिडिक्शन जाता है वो तो जाता है जहाँ का चेक होगा वहाँ पे जाएगा, मतलब जिस पर्सन ने इशू किया है वो चेक, और वो जिस बैंक का चेक है और जो एड्रेस है वहाँ पे जाएगा फर्स्ट ज्यूरिडिक्शन। और सेकेंड कहाँ जा सकता है, वहाँ पे जहाँ से आप उसको बाउंस करवाएंगे। आप वहाँ पर बाउंस करवाइए जहाँ पे आपको लगे इजी कि आप इजीली इस कोर्ट में जा सकते हैं, तो उस जगह पे आप इसको बाउंस करवाइए, ठीक है। नाउ थर्ड क्या आपको ध्यान रखना है, थर्ड ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि इंटरेस्ट पे पैसा दिया लिया जाता है। अगर आप भी किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे हैं और उसकी एज अ सिक्योरिटी आपको जो है चेक, मीन्स वो चेक दे रहा है, तो आपको साथ ही साथ अपने कोई केस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है आपको, कि एक एग्रीमेंट बनवा लेना है। और ये जो एग्रीमेंट है वो जो है 50 या 100 के स्टैम्प पेपर पे बनवाना है, और उस एग्रीमेंट के अंदर सब कुछ लिख देना है आपको, इस डेट को मैंने इसको इतने पैसे दिए, इतने इंटरेस्ट पे दिए, और इन इन पर्सन के सामने दिए हैं, और जो भी, मतलब अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो दो विटनेस के अगर आप साइन करवा लेंगे, एक उनकी साइड से एक अपनी साइड से, तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। ये जो है एक स्ट्रॉन्ग केस हो जाएगा, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। अब फोर्थ बात क्या रही, फोर्थ ये रहा, अगर आप जैसे कि बैंक में जाते हैं, ठीक है, और बैंक में जाके अपने चेक दिया और चेक जो है डिसओनर हो गया। नाउ अब डिसओनर हो गया तो क्या, अब ये मीमो मिलेगी तो इसको क्या करना है आपको, इसमें जो मतलब एक सील होती है बैंक की और सिग्नेचर होते हैं, तो आपको ये देखना है कि इसमें सील एंड सिग्नेचर है, तो आपको के मतलब जैसे ही आपका चेक बाउंस होता है आपको डिसओनर मीमो मिलती है, उसके बाद आपको वो चेक लेके और वो मीमो लेके एडवोकेट के पास जाना है। आपको जो है एडवोकेट के पास जाना है, ये मैं क्यों कह रही हूँ, आपको बैठना नहीं है, क्यों, क्योंकि विद इन 30 डेज हमें लीगल नोटिस भेजना होता है। तो हमें विद इन 30 डेज लीगल नोटिस भेजना होता है, इसलिए हमें वो चेक और डिसओनर मीमो लेके एडवोकेट के पास जाना है। इससे आगे का अगर आपको प्रोसीजर जानना है, लीगल नोटिस कैसे बनाना है, या फिर लिमिटेशन पीरियड आगे के कि कितने दिन बाद, मतलब ये हमें नोटिस के कितने दिन बाद हमको कोर्ट में केस करना है, तो इसकी जो वीडियो है मैं अलग से बनाऊंगी, और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको जल्दी जानना है। फ्रेंड्स,
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच. बाय बाय.